सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे अंग पर हम विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत तत्व ज्ञान विवृद्धि प्रकरण चल रहा था, जिसमें तत्व ज्ञान के उत्पत्ति के साधन का उल्लेख किया जा रहा था, वर्णन किया जा रहा था कि तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान के निवृत्ति पूर्वक निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का कथन पूर्व में ही शास्त्र के आरंभ में ही बता दिया गया था, और चतुर्थ अध्याय के अंत में भी उस बात की पुष्टि की गई। तत्व ज्ञान से अहंकार आदि की निवृत्ति से मोक्ष होता है, परंतु तत्व ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है इसके लिए वहां पर कोई प्रसंग नहीं चलाया गया। तो अब उसको लेकर के यहाँ विचार चल रहा था, तो महर्षि ने सूत्र संख्या 38 में एक बात कही थी कि यह जो तत्व ज्ञान है वह समाधि विशेषाभ्यासात्, कि समाधि विशेष का अभ्यास करने से यह तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। समाधि यानी कि स्वरूपावस्थिति, जो योग में इसको स्वरूपावस्थिति कहा जाता है, तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम्। संप्रज्ञात समाधि पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि से यह तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा समझना चाहिए। और उस स्थिति में यह होता है कि जीवात्मा अंतर्मुखता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, यानी कि वह साक्षात ब्रह्म से तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त करके वह जीव भाव को त्याग करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उस स्थिति में वह बाहरी जितने भी विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनसे अतीत हो जाता है, इनसे दूर हो जाता है, इनसे विलग हो जाता है। यानी कि उस स्वरूपावस्थिति में व्यक्ति जब समाधिस्थ होता है तब उसे बाहरी विषय किंचित मात्र भी विचलित नहीं करते। वह शरीर के साथ, शरीर तो दिखेगा कि इसका शरीर है, परंतु शरीर भाव से वो ऊपर उठ चुका होता है। शरीर से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उस क्रियाकलाप से वह रहित देखा जाता है। यह एक विलक्षण स्थिति है समाधि, महर्षियों की खोज है, उनका अनुभव है। तो उस विषय में पूर्व पक्ष ने एक आक्षेप लगाया था, यह जो आप कह रहे हो कि विषयों से अतीत होकर के स्वरूपावस्थिति को प्राप्त हो जाना, यानी कि बाहरी विषय रूप रस गंध आदि उसको कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि वो उससे वह थोड़ा भी विचलित नहीं होता, विषय उसको प्रभावित नहीं कर पाते, यह जो आपका कथन है ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? तो उसको सूत्र संख्या 39 में कहा कि न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, क्योंकि आपका कथन ठीक नहीं है। स्वरूपावस्थिति को प्राप्त होना समाधि विशेष के अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थ विशेष प्राबल्यात्, क्योंकि ये जो अर्थ है अर्थात जो विषय है, सांसारिक जो विषय है, ये अत्यंत बलवान होते हैं, अत्यंत इसमें प्राबल्य है, और अत्यंत प्रबल होने के कारण यह व्यक्ति के चित्त को आकर्षित करे बिना नहीं रह सकता, यानी कि व्यक्ति के चित्त को आकर्षित करेगा ही, क्योंकि ये विषयों की महत्ता है, विषयों की एक विलक्षणता है, प्रभाव है। जैसे हम आलंबन कहते हैं कि आलंबन मिलेगा विषयों का तो वासनाएं जगेगी ही, तो वासनाएं तो ठीक है, वासनाएं सबके अंदर है ही, न्यूनाधिक रूप से सबके अंदर वासनाएं रहती है, तो वो वासना के अनुकूल यदि कोई विषय आ जाए सामने तो वासनाएं और उदार अवस्था में आ जाती है, यानी कि वह प्रकट अवस्था में आ जाती है और व्यक्ति को बाधित करती है, योग मार्ग से दूर ले जाती है, स्वरूपावस्थिति को भंग करती है, या कहिए कि बहिर्मुखता को
प्राप्त कराती है, अंतर्मुखता होने से रोकती है। क्योंकि ये विषय जो सांसारिक विषय हैं, ये अंतर्मुखता से परमात्मा से हमें दूर करता है, क्योंकि वृत्ति बनती है और वृत्ति बाधा है। योग दर्शन की भाषा में कहें तो वृत्ति बाधा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। और वृत्ति संसार से ही बनती है, संसार के विषयों से ही बनती है वृत्ति, और संसार के विषय जब रहेंगे तो वृत्ति बनेंगी, और वृत्ति जब तक है तब तक समाधि की स्थिति नहीं है, तब तक हम परमात्मा से दूर हैं। इसलिए कहा कि इसको दूर करने के लिए हमको अंतर्मुखता होना पड़ेगा, लेकिन अंतर्मुख कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि विषय अत्यंत बलवान है, ऐसा पूर्व पक्ष का आशय है। और इसका संकेत भी एक तरफ से परोक्ष रूप से उन साधकों के प्रति हैं जो इतिहास में जो सुने जाते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी भी विषयों के चपेट में आकर के उनका तप भ्रष्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि विषयों की इतनी प्रबलता है, विषयों में आकर्षण इतना है। हिरण्यमयन पात्रण सत्यस्यापहितं मुखम, उसमें यह कहा कि ये जो सत्य है, ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा अनुभूति जो है वह हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। हिरण्यमय पात्र का तात्पर्य यह होता है कि यह आकर्षक एक पदार्थ है, आकर्षक माया, क्योंकि माया आकर्षण प्रदान करती है, व्यक्ति के चित्त को आकर्षित करके अपने तरफ खींचती है। तो ये माया के आवरण से परमात्मा दबा हुआ है, परमात्मा छुपा हुआ है, और यह माया साधक के चित्त को आकर्षित करती, इसलिए इसको हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम ऐसा कहा गया। जो सत्य का जो स्वरूप है वह इस हिरण्यमय पात्र, यानी कि इस माया, माया क्या है, ये पूरा जगत, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का विस्तार जो है, ये पूरा जगत है, इससे वह सत्य ढका हुआ है, परमात्मा ढका हुआ है। यानी कि ये जो माया है व्यक्ति को आकर्षित करती है, और ये जितनी आकर्षित करेगी, व्यक्ति उसी माया में जब लिपट जाएगा तो जो नीचे ढका हुआ तत्व तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा। तो इसलिए वह आकर्षण इतना है, परमात्मा में इतना आकर्षण नहीं, स्वाभाविक रूप से जितना आकर्षण विषयों में लोगों का है उतना आकर्षण परमात्मा में नहीं होता। इस कारण से व्यक्ति स्वाभाविक इन विषयों में फंसता है। और बड़े बड़े तपस्वियों के विषय में सांख्य में तो एक सूत्र ही दिया कि न भोगादुराग शांतिर मुनिवत, उसमें सौभरी मुनि का वर्णन दिया और कहा कि महर्षि सौभरी अत्यंत तपस्वी थे, परंतु वो जलचर जंतुओं को देख करके उनकी वासनाएं भड़क गई, और वासनाएं भड़कने के कारण वह राजा के पास गए और कहे कि हमको शादी करनी है। राजा से मांगा, राजा क्या करे, उन्होंने शादी उनकी करवाई, अपनी कन्याओं को दिया। तो वहां पर यह बात बताई गई कि अत्यंत तपस्वी व्यक्ति भी अजागरूकता के कारण, या कहिए कि विषय के इतनी प्रबलता है, विषय में आकर्षण इतना है कि उस आकर्षण के कारण अत्यंत तपस्वी व्यक्ति भी पथभ्रष्ट हुए। और अंततः फिर उन्होंने बाद में संभले और बाद में बोले कि मैं जो सोच रहा था, उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, उनके सहज एक वृत्ति अंदर थी कि यह जो वासनाएं हमको बार बार सता रही है, क्योंकि साधक को जैसे ही साधना प्रारंभ करता है तो वह अपने आप को देखता है कि वासनाएं और भड़क रही है। प्रायः संसार में रहते हुए व्यक्ति को उतनी वासनाएं नहीं सताती जितने कि वह साधना मार्ग में आ जाने के बाद की स्थिति को अपने को देखता है। तो उसको लगता है कि मैं तो और ही नीचे गिरता जा रहा हूं, क्या करूं कैसे करूं। तो उनके अंदर एक समाधान आया मन में कि संभवतः ये वासना जो आ रही है हमारे मन में, इसको भोग लूंगा तो शांत पड़ जाएगी। परंतु हुआ उल्टा, वह वासना और भी प्रबल होती गई विषय भोग के माध्यम से, और अंततः वो अपना निर्णय दिए, कहे कि नहीं, ऐसा जो कोई व्यक्ति मन में संकल्प करे कि विषयों को भोग से हमारे अंदर जो वासना है वो शांत हो जाए, वो कभी होने वाली नहीं। न जातु कामाना उपभोगेन साम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, ऐसा करके वहां पर महर्षि का उद्गार आया कि कामनाओं की शांति भोग से नहीं है, अपितु कामनाओं की शांति योग से है, यानी कि त्याग से है, इंद्रिय संयम से है। क्योंकि
कामनाओं के भोग से कामनाओं के शांत होने का ये उपाय उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अग्नि में आहुति देकर के उसको शांत होने की प्रतीक्षा करना है। यानी कि अग्नि में आहुति दे घृतादि की और वह अग्नि शांत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही व्यक्ति कामनाओं के उपभोग से, उनकी कामनाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी वासनाएं जो अंदर है, उसको शांति के लिए भोग यदि मार्ग चयन कर रहा है तो करें तो मिथ्या है, वो भ्रम में पड़ रहा है, क्योंकि वो महर्षि ने उसका अनुभव किया और तथा फिर उस मार्ग को छोड़े, फिर पूर्व में जो योग मार्ग थे, इंद्रिय संयम आदि के मार्ग को ही चुना। तो यह सारी दृष्टांत, ये सारी आख्यायिकाएं हैं, ये क्या कह रही हैं कि विषय में आकर्षण है और विषय का आकर्षण से बड़े बड़े तपस्वियों का तप भंग हुआ है, यह प्रमाण है, ये हमें संकेत देते हैं। तो पूर्व पक्ष उन्हीं को लेकर के लगभग संकेत दे रहा है कि विषयों में इतना आकर्षण है कि कोई हो ही नहीं सकता, उसका तो तात्पर्य हो ही नहीं सकता पूर्व पक्ष का। तो अर्थ विशेष प्राबल्यात एक हेतु दिया सूत्र संख्या 39 में, और सूत्र संख्या 40 में एक और बात कही कि क्षुदादि भी प्रवर्तनाच, करे कि एक क्षुदादि भी है, यानी कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, एक तो ये भी है। यदि मान लीजिए कोई समाधि लगा भी लिया कुछ देर के लिए, वो देहातीत चला गया, वह त्रिगुणातीत हो गया, तो यह जो शरीर के धर्म है भूख प्यास, उसको सताएंगे कि नहीं सताएंगे? और जब भूख प्यास सताएंगे तो व्यक्ति उससे जगेगा कि नहीं, इसकी समाधि भंग होगी कि नहीं होगी? होगी ही, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिस प्रकार से सुषुप्ति में, गाढ़ी निद्रा में भी जब प्यास लग जाती है तो निद्रा टूट जाती है, और गाढ़ी निद्रा भी देहातीत की ही अवस्था मानी जाती है, क्योंकि सांख्यकार ने एक सूत्र दिया, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, कि समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में, इन तीनों में एक साम्यता है ब्रह्म रूपता की। ब्रह्म रूपता का तात्पर्य है कि ब्रह्म रूपता में जिस प्रकार से व्यक्ति देहातीत हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है, देह भाव से ऊपर होकर के विदेह अवस्था में पहुंच जाता है, ये तीनों अवस्थाओं में लगभग स्थिति, तीनों में एक साम्यता है कि देहातीत की स्थिति रहती है, उसे ब्रह्म रूपता कहा गया। तो निद्रा में भी, यानी कि सुषुप्ति में भी जो गाढ़ी नींद है, उसमें भी व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ जाता है, और समाधि में भी ऐसे होता है, देह भाव से ऊपर उठ जाता है। तो जिस प्रकार से सुषुप्ति में व्यक्ति पहुंचा हुआ, जब उसको भूख प्यास लगती है तो वह बाहर आता है, देह भाव में पुनः आता है, उसकी अवस्था भंग होती है, सुषुप्त अवस्था से वह जागृत अवस्था में आता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही यदि मान लीजिए कि समाधि में चला भी गया, तो यह जो शरीर के धर्म है भूख प्यास आदि, सर्दी गर्मी आदि, यह उसको सताएंगे कि नहीं सताएंगे? सताएंगे, कि यह धर्म है, प्रकृति का धर्म है, शरीर का धर्म है कि भूख लगेगा, प्यास लगेगी, ठंड लगेगा, सर्दी गर्मी सब लगेगी उसको। तो जब लगेगी तो वह उससे बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो कहेगा आएगा ही, जब ज्यादा ठंड लगती है तो भी नींद टूट जाती है, ज्यादा गर्मी होती है तो भी नींद टूट जाती है, भूख भी लगती है तो भी नींद टूट जाती है, प्यास भी लगती है तो भी नींद टूट जाती है। तो ऐसे ही समाधि नहीं टूटेगी, क्योंकि समाधि भी तो देहातीत की अवस्था, एक अवस्था है। तो जिस प्रकार से नींद आदि में ये चीजें घटित हो रही है, ऐसे ये समाधि में भी घटित होगा, और जब समाधि में भी जाएगा तो उसकी समाधि टूटेगी, भंग होगी। क्यों? क्योंकि भूख प्यास आदि जो शरीर का धर्म है, उससे वह छूटा नहीं रह पाएगा। इसलिए समाधि की जो अवस्था आप कह रहे हो, ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अब जब तक ज्यादा देर तक वो समाधि टिकेगी नहीं, तब तक उसके लिए तो कहा जाता है कि अविप्लव ख्याति होनी चाहिए, अखंड तत्व ज्ञान होना चाहिए, सामान्य तत्व ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, यानी कि पूर्ण तत्व ज्ञान होता है। जैसे एक बार किसी की समाधि लग गई थोड़े देर के लिए, उससे मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह स्थिति अभी मंद है, मंद प्रकाश है, मंद ज्ञान है। वह स्थिति ऐसी हो जाए कि व्यक्ति जब चाहे तब उस स्थिति को प्राप्त कर ले और लंबे समय तक उस स्थिति में बना रहे, तब उस स्थिति को कहा जाता है कि अविप्लव ख्याति, यानी कि अखंड तत्व ज्ञान उसको प्राप्त हो गया,
यानी कि ज्ञान की प्रशांत वाहिका, जैसे ज्ञान एकदम प्रवाहमान हो रहा है, ऐसा स्पष्ट ज्ञान जब होता है उससे मुक्ति होती है, और उसी को तत्व ज्ञान शब्द से यहां पर कहा गया। क्योंकि तत्व ज्ञान धीरे धीरे होता है, जिस प्रकार से जैसे जैसे अंतःकरण की जो मलिनता है, विकार है, अविद्या है, जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, और वह प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत जाता है, अविवेक ख्याते है, ऐसा महर्षि सूत्रकार पतंजलि ने कहा है। तो तत्व ज्ञान का मतलब कि वह जो ज्ञान की परिपूर्णता है, पूर्ण तत्व ज्ञान है, वहां तक जब व्यक्ति पहुंचता है तब जाकर के उसको मुक्ति होती है, और वही तत्व ज्ञान जो है समस्त प्रकार के मिथ्या ज्ञान को, अविद्या को, अविवेक को हटाने में समर्थ होता है, और उसके पश्चात वह ये जो भाव बंधन है, ये जो भाव रोग है, इस रोग की निवृत्ति होती है और अंततः व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। परंतु यह स्थिति तो परमानेंट बनती ही नहीं, क्योंकि थोड़े देर यदि मान लो कि समाधि में चला गया तो समाधि स्थायी नहीं रह पाएगी, और स्थायी न रहने के कारण ये जो उसके धर्म है, शरीर के धर्म, ये उसको स्थायी बनने नहीं देंगे, समाधि को स्थायी बनने नहीं देंगे, जिसके कारण वह पुनः जागृत अवस्था में आता है, व्युत्थान काल में आता है, और फिर जब जैसे व्युत्थान में आता है तो फिर तो सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य करता है। शंकराचार्य जी ने अध्यास भाष्य में तो यहां तक कहा कि तत्वज्ञानी व्यक्ति हो या पशु हो, वो दोनों एक समान ही है। कब? व्यवहार काल में। क्यों? क्योंकि पशु जिस प्रकार से भूख प्यास लगता है तो भूख पानी और भोजन के पीछे भागते हैं, वैसे तत्वज्ञानी भी व्यवहार काल में वह भी पानी और भोजन के पीछे भागता है, जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो दोनों में इस प्रकार की साम्यता दिखाई। तो करें कि जब नीचे आ जाएगा उस भाव से तो फिर तो सामान्य हो गया। तो यह स्थिति आपकी जो है समाधि की, जो देहातीत अवस्था है, इसमें किसी की स्थिरता नहीं आ पाएगी, और स्थिरता ना आ पाने के कारण वो तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि थोड़े देर के लिए समाधि लग जाने से तत्व ज्ञान नहीं होता, उसमें लंबे समय तक स्थिर होना पड़ता है तब जाकर के। तो यह पूर्व पक्ष का आक्षेप था। अब उसके समाधान के रूप में महर्षि सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं, सूत्र संख्या 41 में कह रहे हैं कि पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति। कि देखिए ऐसी बात नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपका कहना ठीक है कि विषय आकर्षित करते हैं, विषयों में बड़ा आकर्षण है, इसलिए भी वह व्यक्ति के चित्त को आकर्षित करता है, उस स्थिति को आने ही नहीं देता। और दूसरी बात जो आपने कही कि शरीर के जो धर्म है, भूख प्यास आदि, वह भी शरीर को ताड़ित करता है, प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, तो उस स्थिति को भंग करता है, ये बात ठीक आपने कहा। परंतु कह रहे हैं यहां पर कि देखिए विशेषता यहां पर क्या है कि पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति ही करें कि जो इस प्रकार के साधक हैं, जिन्होंने पूर्व में ऐसे अभ्यास कर रखे हैं और उन्होंने पूर्व में भी कुछ अनुभूतियां कर रखी है पूर्व जन्म में, क्योंकि यह बात केवल एक जन्म की नहीं है। हाँ, यह बात ठीक है कि ऐसे बहुत से साधकों के विषय में सुना गया है कि वह उस धर्म से नीचे आए हैं, उनका योग भंग हुआ है, परंतु करें कि ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का योग भंग ही होता है, समाधि भंग ही होती है, वो तप से भ्रष्ट ही होते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। जिनका अभ्यास पूर्व में नहीं है, जो अभी वर्तमान ही जन्म में योग साधना करना प्रारंभ किया है, उनके लिए समस्या आ सकती है। पूर्व में उन्होंने कुछ किया नहीं, ध्यान धारणा आदि जो साधन है उसको उन्होंने अनुष्ठान किया नहीं, तो उनके लिए समस्या ये है कि वो अभी इसी जन्म में अनुष्ठान कर रहे हैं। धीरे धीरे हो सकता है कि उनको कई जन्म भी लग सकते हैं, हो सकता है इस जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। परंतु जो पूर्व जन्म में अभ्यास नहीं किए हैं, इस जन्म में ही उन्होंने आरंभ किया है गुरु उपदेश से, शास्त्र के पढ़ करके और कहीं से प्रेरणा पा करके वह इसी जन्म में उनका अनुष्ठान प्रारंभ किया है। पूर्व से वह किसी भी प्रकार से सात्विक नहीं थे, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि पूर्व में सात्विक नहीं होते,
पूर्व में अत्यंत तामसिक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह किसी से सुना समझा, उनकी बुद्धि सुधरी और फिर इस मार्ग पर आए, योग मार्ग पर। तो वहां पर तो यह समझना चाहिए कि बचपन से तो ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने बाद में जवानी में किसी गुरु से किसी शास्त्र से प्रेरित होकर इस मार्ग का अनुष्ठान किया। और ऐसे व्यक्ति यदि अनुष्ठान कर रहे हैं तो हो सकता है कि वह विषयों के आकर्षण में आकर के वह अपनी स्थिति से नीचे गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने शुरुआत की है तो शुरुआत में पूर्व से उनका कोई अनुभव नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, और संस्कार न होने के कारण इस जन्म के तो संस्कार है उनका भोग वाला, इसलिए वो भोग आकर्षित तो करते ही, उनका संस्कार तो बना है, लेकिन योग का संस्कार उनके अंदर नहीं है। जब योग का संस्कार उनके अंदर नहीं होता तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह बात लागू होती है कि विषय उनको आकर्षित करते हैं। परंतु जिन्होंने पूर्व में ऐसे अभ्यास कर रखे हैं और संयोगवश उनको पूर्व जन्म में वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जो होनी थी, यानी कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति वो नहीं कर सके, बीच में ही रह गए, यानी कि अनुष्ठान तो किया और काफी अच्छी स्थिति आई उनकी, परंतु उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए जो स्थिति बताई गई है शास्त्रों में तत्व ज्ञान की। तो वह स्थिति असंप्रज्ञात समाधि की कही, उससे तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वह असंप्रज्ञात समाधि तक नहीं पहुंच पाते, बीज में ही रह जाते। तो वह जब आते हैं तो पूरा संस्कार लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में वो संस्कार सब यम नियम आदि का अनुष्ठान कर चुके हैं और कुछ ध्यान आदि भी कर चुके हैं, कुछ अच्छी स्थिति को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे व्यक्ति का यदि जन्म होता है तो वह जन्म से ही सात्विक होते हैं, जन्म से ही विरक्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने वैराग्य का अभ्यास पहले ही कर चुके हैं, योग का अनुष्ठान ही वो पूर्व में ही कर चुके हैं, तो इसलिए वो संस्कार के साथ उत्पन्न होते हैं। और जब संस्कार के साथ उनका जन्म होता है तो वह जन्म से ही विरक्त होते हैं, जन्म से ही सात्विक होते हैं और जन्म से ही वो विलक्षण देखे जाते हैं। और जब जन्म से ही वो विलक्षण देखे जाते हैं तो उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता कि उनको विषय आकर्षित करेंगे या उनको सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि सताएंगे, ऐसा नहीं है। पूर्व में यदि योगाभ्यास के संस्कार लेकर के वह व्यक्ति जन्म लिया है तो इस जन्म में उसको कोई भी विषय आकर्षित नहीं करेंगे, वो धर्म के बल पर, पूर्वकृत जो संस्कार है, धर्म का संस्कार है, उपासना के द्वारा उसने धर्म का संस्कार बनाया, वह धर्म के संस्कार के बल पर इस जन्म में सारे विषय उसके सामने, कितने भी विषय प्रस्तुत क्यों न किया जाए, वो सारे के सारे विषय उसके सामने धरे के धरे रह जाएंगे, उसको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। और यहां तक कि भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि भी उसको कुछ प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उसके समाधि को तोड़ नहीं पाएंगे। ये होती है उनके पूर्वकृत संस्कार की प्रबलता, उनकी विलक्षणता, उनकी महत्ता। तो इस प्रकार से वो पूर्वकृत जो अभ्यास है उसके द्वारा जो भी उनको फल उस समय कुछ प्राप्त हुई थी, चित्त की प्रशांतवाहिता या चित्त की एकाग्रता आदि स्थिति पाई थी, उसको लेकर के वो जन्म जो लेता है उनके लिए सब नहीं है, सामान्य व्यक्तियों के लिए है जो इसी जन्म में अभ्यास कर रहा है, उसके लिए भले ही ये विषय आकर्षित करें, परंतु जो जन्म जन्मांतर से इसी मार्ग में लगा हुआ है, एक जन्म का एक खेल नहीं है, जन्म जन्मांतर से इसी में लगा हुआ है, और वह यदि जन्म लेता है तो उसके सामने ये सारे विषय कुछ कर नहीं पाते, उसका विषय उसको आकर्षित नहीं करते, और नहीं ये जो सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि धर्म है ये उसको नहीं सताते, तब उसकी स्थिति वह आ जाती है, समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और उससे तत्व ज्ञान होता है और फिर उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर समाधान किया। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।